प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसे मामलों पर अब लगाम लगने वाली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 फरवरी को लोकसभा सदन में लोक परीक्षा बिल 2024 पेश किया। ये एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं में नकल और गलत तरीके से परीक्षा पास करने पर और जो इस तरह से परीक्षाओं को पास करते हैं उन पर रोक लगाना है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दूरदर्शन संवाददाता कुलदीप फेरान जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ खास है इस पब्लिक एग्जाम बिल में और ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? कुलदीप जी, हेमलता, जैसा कि आज संसद के बजट सत्र का जो है आज 8वां दिन रहा और ये जो लोक परीक्षा बिल है इसे 6 फरवरी को लोकसभा द्वारा पहले ही पारित कर दिया जा चुका है और संभव है कि इस बिल को जल्द ही राज्यसभा से भी मंजूरी मिलेगी और इसे कानूनी रूप प्रदान किया जाएगा। लोक बिल की अगर बात करें तो लोक परीक्षा बिल में ऐतिहासिक निर्णय ये माना जा रहा है क्योंकि इसके जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के मामलों में जो देश भर में बढ़ते जा रहे हैं उन मामलों की रोकथाम के लिए ये बिल भूमिका निभाने वाला है। और इस कानून की तो इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और वेबसाइट जैसी अनियमितताओं को करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है 3 से 10 साल तक की जो जेल है और उसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक का जो है जुर्माने का इसमें प्रावधान किया जाएगा। और जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के इस फैसले का जो लाभ रहेगा वो उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को जरूर मिलेगा जिनकी परीक्षाएं इस तरह के मामलों के चलते जो है रद्द हो जाती है। जी हम लगा जी, बिल्कुल, काफी बार ये देखा गया है कि इस तरह से जो परीक्षाएं हैं वो प्रभावित होती नजर आई हैं। बात करें स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं में तो इस बिल की क्या भूमिका रहने वाली है? जी हेमलता, इस बिल में जो है छात्रों व प्रतियोगियों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि इस प्रस्तावित विधेयक में जो संगठित क्षेत्र के जो अपराध हैं, माफिया है और जो सांठ गांठ में शामिल होने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का जरूर प्रावधान रहेगा। और सबसे बड़ी बात इस बारे में ये रहेगा कि जिन व्यक्तियों या दोषी संस्थाओं को इसमें संलिप्त पाया जाता है और उनके चलते जो है परीक्षाएं रद्द की जाएंगी तो उन रद्द खर्च होगा वो उन व्यक्तियों और दोषी संस्थाओं को ही देना होगा। और इस बिल में जो है यूपीएससी, एसएससी और एनटीए और उसके अलावा आईबीपीएस जैसी परीक्षाओं को जो है इस दायरे में रखा गया है जो केंद्र से आयोजित की जाती है। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप फेरान तमाम जानकारी के लिए। तो इस बिल के आने के बाद जो है बहुत सारी जो परीक्षाएं प्रभावित होती हैं पेपर लीक और कई मामलों के कारण उन पर लगाम जरूर लगेगी।